होकाई की टीम बाहरी उत्तरी दिल्ली के लिए वरदान साबित हो रही है। टीम के गठन के बाद से अब तक अपराध के ग्राफ में लगातार गिरावट देखने को मिली, ये जानकारी बाहरी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी विजेंद्र कुमार यादव ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपराधी क्राइम का रास्ता छोड़कर अपना व्यापार करना चाहते हैं, अब दिल्ली पुलिस उनका व्यापार करने में भी मदद कर रही है। बता दें, होकाई की टीम का गठन 1 अक्टूबर 2021 को बाहरी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी विजेंद्र कुमार यादव ने किया था। गठन के बाद से अब तक होकाई की टीम ने 847 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में असलहा, धारदार हथियार, नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। होकाई 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसमें स्नैचिंग व रॉबरी को रोकने का प्रिवेंटिव एक्शन के थ्रू, इससे पहले कि अपराध हो सके उसे प्रिवेंट किया जा सके, ये ऑब्जेक्टिव था। कि अब तक कुल मिला के 847 से अधिक स्नैचर्स व रॉबर्स को इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें देसी कट्टे 66, लाइव कार्ट्रेजेस 104, मोबाइल 246, चक्कू 82, लैपटॉप 3, अन्य सामग्री 56, कैश 34, लिकर 13, ज्वेलरी के 2 केसेस और ड्रग्स व आदि इत्यादि लगभग 13, इनके पास से रिकवरी हुई है।